हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और काफी दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। आप लोगों को मैंने अपने लाइव सेशन में बताया था कि मेरे बेटे के एग्जाम्स हैं, तो जब उसके एग्जाम्स होते हैं तो हम बहुत बिजी हुए होते हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं एक व्लॉग बनाऊं। एक दिन का मेरा कराची का ट्रिप है, सो आई थॉट कि मैं चले आपको एक दिन का की अपनी पूरी रूटीन बताऊं। और अभी मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट विद माय हस्बैंड, और 5 बजे की मेरी फ्लाइट है, और एक दिन का काम है कराची में। एक्चुअली 2-3 काम है, मॉर्निंग शो पे जाना है, फिर एक पॉडकास्ट है, एक शूट है। तो कल इंशाल्लाह रात को आई विल बी बैक, स्टे ट्यून्ड, और मिलते हैं। एक दिन के ट्रिप का ये मजा होता है कि आपको हैंड कैरी आप करते हैं, जल्दी आप जहाज से उतर जाते हैं, टाइम नहीं लगता, हैंड कैरी होता है, सामान कम होता है। तो मुझे एक दिन के ट्रिप का बहुत मजा आता है। सो अभी मैं कराची पहुंचूंगी, मेरी अम्मा उधर है, मेरी खाला आईनी है, मैं आपको कराची में भी उनसे मिलवाऊंगी, बताऊंगी हम कराची में कैसे काम करते हैं। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगे एंड स्टे ट्यून्ड। एयरपोर्ट में पहुंच गई हूँ, मेरे घर से आई थिंक 10-12 मिनट्स की ड्राइव है, पर मेरे मियाँ साहब मुझे जो टाइम बताऊँ उस टाइम पे पहुँचा देते। दिस इज आवर ब्यूटीफुल लाहौर। हियर कम्स इलामा इकबाल एयरपोर्ट। नहीं जी, हम पहुँच गए 10 मिनट्स में, पहुँचाया फैसला पहुँचे 10 मिनट। अभी मेरा अभी घंटा पड़ा है फ्लाइट में, लेकिन मैं बैठ के कॉफी पीऊंगी और आप लोगों से बातें करूंगी। थैंक यू। बोर्डिंग हो गई है। आई एम इनसाइड द एयरपोर्ट, दिस इज हाउ इट लुक्स। हमारा लाहौर का एयरपोर्ट, बोर्डिंग इज डन। सो अब मैं आपको अपनी मोस्ट फेवरेट जगह पे लेके जाती हूँ। और मैंने चाहे जितना मर्जी कुछ खाया हो पिया हो, मैं यहाँ पर आके कॉफी जरूर पीती हूँ। ये देखें जी, मैं इधर आती हूँ जरूर कॉफी पीने इन भाई के साथ। दूसरे वाले भाई थे लेकिन वो इस्लामाबाद वाले सर्विस एरिया पे, हमारी दूसरी ब्रांच है। जी जी, साउथ और नॉर्थ दोनों साइड से। और मैं बहुत अच्छे बाद आई हूँ। जी जी बिल्कुल, मैं भी शायद इस्लामाबाद आई हूँ। चलें, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। आई हैव गॉट माय कॉफी एंड माय कुकी एज वेल। और कैप मैंने इसलिए पहनी हुई है क्योंकि मेरे बालों में बम फटा हुआ है, मैं नहा के और गीले गीले बालों में आ गई हूँ। आई एम वेटिंग फॉर माई फ्लाइट, 5 बजे की फ्लाइट है, एंड आई एम हैविंग माई कॉफी। यहाँ मैं कॉफी पीने के बाद बहुत खुश हूँ, इंजॉय कर रही हूँ। अच्छी कॉफी का हमेशा मजा आता है मुझे। अब हम वी आर गोइंग इनसाइड, हैव अ लुक। आई एम ऑलवेज द लास्ट पर्सन जो जहाज के अंदर जाता है। तो अब मैं कराची पहुंच गई हूँ 1.5 आवर की फ्लाइट के बाद। इस कराची एंड दिस इज कराची एयरपोर्ट। अब मैं जा रही हूँ डॉल्मेन मॉल। Yeah.
दिस इज द वेदर इन कराची. अब मैं गाड़ी देख रही हूँ जी कहाँ है. मजे का मौसम है. लेट मी फाइंड आउट माई कार जी. रख दे पीछे. ये ले जी हमें आ गई गाड़ी. आई मीन कार. थक गई. गाइस मैं सीधा उससे एयरपोर्ट से आई हैव कम टू डॉल्फिन मॉल क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ ख़रीदना है. कुछ चीज़ें ख़रीदती हूँ जो कि मुझे लाहौर में नहीं मिलती. तो मैं यहाँ आई हूँ डॉल्फिन और आई रियली लाइक दिस मॉल और मुझे बहुत मज़ा आता है यहाँ शॉपिंग करने का. तो अब मैं जा रही हूँ अपनी चीज़ें ख़रीदने. This is Karachi. ये है जी डॉल्फिन मॉल. एज यू कैन सी इट्स सो बिग सो ब्यूटीफुल. आई जस्ट लव बीइंग हियर. देखें इट्स सो ब्यूटीफुल. अच्छा डॉल्फिन मॉल की सबसे ज़बरदस्त बात ये है कि यहाँ पे जब आप आते हैं ना व्हेन यू एंटर यहाँ एक बहुत खूबसूरत खुशबू आती है और ऐसी खुशबू आपको दुबई में मिलेगी बाकू में मिलेगी. तो आई रियली लाइक दिस थिंग अबाउट इट. सो आई एम डन विथ माई शॉपिंग. नहीं ऑलमोस्ट डन. अभी और भी ले रही हूँ. बहुत रौनक है यहाँ पे. लाहौर में मॉल्स में ऐसा सब कुछ नहीं होता जो यहाँ होता है और लाइट कहीं अच्छी आ रही है कहीं नहीं. सो बर्दाश्त करें. ले जी आई एम डन विद माई शॉपिंग. शॉपिंग ये हुई है और अब मैं बहुत थक गई हूँ. घर जा रही हूँ और घर पे अम्मा होंगी. मैं अम्मा से मिलवाती हूँ आप. फाइनली आई एम हियर. ऊपर जा रही हूँ. फोर्थ फ्लोर पे अपार्टमेंट है. बहुत मुश्किल है अभी कराची में रहना. हेलो सबा. हेलो हेलो सो क्यूट. यार मेरी बहन और अब हमारी तीसरी साथी आ गई. वाह अब हम चौथी ही आने वाली है. अब हम मिलके सोएंगे. वेलकम कर दे मुझे. वेलकम सादिया. वेलकम वेलकम. अम्मा मेरे खाने का ऑर्डर किया. अभी कर देते हैं. जल्दी करो. ओके चुल्लू भर कबाब. ओके ओके वो देखे उधर भी चेहरा देख. अब अकेली म्यूजिक लगा सबा के. फैसल जी. सबा फैसल के हल्के मत देखिएगा. सबा फैसल की कोई बात नहीं. नहीं इस... बहुत अच्छी है. अच्छा इसलिए यार मैं इसको कुछ करूंगी. इसलिए 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 कि सबा फैसल बहुत हार्ड वर्किंग है. यस संडे को सिर्फ ऑफ मिला है और बाकी मेरी बहन आई हुई है लेकिन उसको मैंने बिल्कुल टाइम नहीं दिया. लेकिन आने के बाद जो मैं कुछ होता वेलकम जल्दी आ जाए बस. गुड मॉर्निंग एवरीवन. सुबह हो गई है. ARY की गाड़ी ने मुझे पिक किया है और अब मैं जा रही हूँ ARY स्टूडियोज. और रात को सिर्फ मैं 2 घंटे सोई हूँ क्योंकि अम्मी और खाला बहुत बातें करती रही हैं. मुझे नींद नहीं आई. हे आई एम एट ARY स्टूडियोज. सुबह सुबह बोला भी नहीं जा रहा और अब मैं जा रही हूँ मेकअप रूम में. So, hair and makeup. I love ARY studio because it's like my second home. So, ab main apne makeup room mein lekar jaati hu. Assalam.
यूट्यूब की वीडियो बन गई है सर। क्या है भाई? ठीक ठाक है। ओहो, इसकी तो फ्लैश चल रही है। आई एम एट स्टूडियो और मेरी फेवरेट बाजी है जो बहुत प्यारा मेकअप करती हैं और जो मॉर्निंग शो के लिए तैयार कर रही है। केवल ये देख बहुत भूख लग रही है जी। कॉफी फिर बस अभी एक बाल भाई आते और अनेक बाल भाई आएंगे और यहाँ पे एक बाल भाई होते हैं जिनकी कॉफी बहुत अच्छी होती है। ले आएंगे एक बाल भाई फटाफट। ये है जिब्रान, ये एआरवी की टीम बेस्ट टीम है। ये मेरा जो ड्राई करेंगे वही झटपट हो गया मेकअप और बहुत स्पीडी है। दे आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड टीम और ये तो मेरा सेकंड होम है। बिल्कुल क्यों भाई? बिल्कुल उबाल करने स्टार्ट कर दिए हैं, इनको ब्लो ड्राई करवा रही हूँ, साथ ही साथ अब मेरा मेकअप भी हो रहा है। इट टेक्स अ होल टीम टू गेट यू रेडी एंड साथ साथ मेकअप साथ साथ बाल, क्योंकि बहुत प्रोफेशनल टीम है ARY की और मेरा फेवरेट चैनल है जी ARY, क्योंकि लोग यहाँ पर बहुत प्रोफेशनल हैं। ऐसे ही नहीं कोई चैनल बहुत बड़ा बन जाता, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होती है। तो मेकअप हो रहा है, बाल हो रहे हैं, अभी आ रहा है एक बाल भाई बिल्कुल सही बिल्कुल सही। इकबाल भाई कॉफी पिला दी? ओके सर। कॉफी में चाय नहीं डालनी? नहीं डालनी। पत्ती नहीं डालनी? ओके। चीनी के बगैर? चीनी के बगैर। और कुछ खाने के लिए है? हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। बस ले रहे हैं, बहुत भूख लग रही है, ला रहे हैं, ला रहे हैं। पानी भी देते हैं और आपने मेरे कपड़े भी आयरन करने? कपड़े देने में जानते हूं। ओके, कहाँ रखे कपड़े? ये बैग खोलना पड़ेगा आपको। इकबाल भाई आ गया। थैंक यू इकबाल भाई। पानी इतना ठंडा पानी? रूम टेम्परेचर है सूरज का मेरे सर पे इस वक्त, सूरज सर पे। हाँ भाजी ठीक है, ये करूँगी, ये सही है, बस उठ गई ना। हाँ, ये करूँगी। ठीक है कितना टाइम रह गया? टाइम अभी बहुत है, आप बेफिक्र हो जाए। नहीं जी, माय हेयर इज डन। दस मिनट रह गए बस, अब आपने ड्रेस चेंज करना है तो आपके ब्रशेस निकाल लेते हैं, सिर्फ फ्रंट का लगा लेते हैं। ठीक है, कर दे वो, कर ये लाइनर ठीक कर देंगे, फिर आप जाके चेंज कर लीजिए। ये लो भाई, चेंज करते हो फिर कर दे। जी जनाब, वेरी नाइस। अब आप पहले चेंज करके आएंगे फिर इस पे आप ये भी खोल दे, वो चेंज कर लेना, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, दो चार मिनट और मिल जाएंगे। फिर मेरे पास शाइन स्प्रे है, वो भी कर देंगे। हाँ, वो भी कर देंगे। चले अब चेंज करके आती हूँ, फिर मिलते हैं।
I am ready. Going to the studio. Silence है क्योंकि live show हो रहा है. So yes. अच्छे blue drive हुए बाल. And I'm wearing this beautiful jora by Fatma Asher. हेलो कहने हेलो ये भी व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही है मेरे की है यस ये हमारी टीम है अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी ये लास्ट सेगमेंट है इनके साथ अगले में महमूद हर्बल होंगे किरण हमारे लीला के मॉर्निंग शो की बीटीएस आपने देखी अब ब्रेक आई है तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा अपने भी शूट कर लिया जाए पीछे आपको आवाजें भी आ रही होंगी ऑन ब्रेक मॉर्निंग शो ये सेट होता है और ये हमारा फोटो शूट करते हैं हिना करवा रही हैं ये देखें नहीं जी शो हो गया ख़त्म और मैं आई हूँ पिक्चर्स खिंचवाने निदा के साथ निदा ने तारीफ की मेरी पैंट्स की माय डिज़ाइन इज़ मेड बाय फातिमा अशर नहीं जी पिक्चर्स खींची जा रही हैं एंड पे शो के बाद हमेशा पिक्चर सेशन होता है और आई होप आप लोगों ने देखा होगा और आपको मॉर्निंग शो पसंद आया होगा एंड थैंक यू ये वी आर डन विद आवर मॉर्निंग शो ये खालतू है ये हमें बुलाती है और मॉर्निंग शो जानू है थैंक यू मेरी जान मज़ा आया ना बहुत ज़्यादा अब मैं आऊँगी आपके पास नाइल के पेपर्स की बात इंशाल्लाह नाइल के साथ यस इंशाल्लाह हो गया बना जी आज आपने मेरे बाल नहीं बनाए लेट आए हैं आप थैंक यू भाजी अच्छी लग रही थी मैं टीवी पे ये नहीं अच्छी आपने ऐसे ही गाए हाँ कोई इन्होंने अच्छी गाए अच्छी नहीं अच्छी लग सो हेलो एवरीवन I am done with my morning show. बहुत धूप है आँखें नहीं खुल रही और अब मैं जा रही हूँ दूसरे शूट पे that is my podcast with FHM magazine. So that's my second thing. And then I'll catch up my flight and we'll fly back to Lahore. Next one, podcast with FHM. पॉडकास्ट हो गया है अब थोड़ा फ़ोटोशूट हो जाए और शो आप बहुत जल्द देखेंगे इंशाल्लाह This is it. I am done for today. Heading back to the airport. And ये था मेरा एक दिन का ट्रिप और बहुत मज़ा आया. I have had a great time at morning show and I have had a best time at FHM. So stay tuned. Thank you so much for watching. ले जी जहाज़ में मैं बैठ गई हूँ और
पैसेंजर्स बैठ रहे हैं, बस 5 मिनट में फ्लाइट टेक ऑफ कर देगी और मैं लाहौर पहुँच जाऊँगी इंशाल्लाह। ये टेकिंग ऑफ इन अ सेकेंड, रन 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 रन। और ये लें जी, हम उड़ गए। वैसे फ्लाइट जिन्हें की फ़्लाइट्स जो हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं। आई पर्सनली लाइक दिस एयरलाइन, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स उनकी बहुत अच्छी होती हैं। और आप लोग को चांस मिला तो ज़रूर ट्रैवल करिएगा फ्लाइट जिन्हें पे। फ़्लाइट में काफ़ी टर्बुलेंस रही है ड्यू टू द वेदर। ये देखें बादल चेक करें, तेज़ हवा के साथ जब बादल आते हैं तो टर्बुलेंस बहुत आती है। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत व्यू है। मैं तो जब भी जहाज़ में बैठती हूँ मैं बस क्या बताऊँ, आई एम ऑलवेज स्पीचलेस अल्लाह ताला की खूबसूरती को देख के। सुभान अल्लाह, शदीद नींद आ रही है मुझे, शदीद थकावट हो गई है, बट सो नहीं सकती थी क्योंकि मुझे व्लॉगिंग भी करनी थी। नदो साथ नहीं है, अगर वो होती तो वो मेरे ये सारी व्लॉगिंग कर लेती। सो फाइनली वी आर लैंडिंग बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। शाम हो गई है, रात होने वाली है। ले जी, जहाज़ लैंड कर रहा है, नीचे उतर रहा है, अब लैंड करेगा। अब ज़रा लैंडिंग चेक करिएगा कैसी है ये, अब ज़रा चेक करें लैंडिंग। अब ये होने लगा, ये देखें, बहुत बुरी लैंडिंग थी, बहुत बुरी लैंडिंग थी, ठा करके लैंड किया, वेरी बैड। एक बात की मुझे समझ नहीं आती, जैसे जहाज़ लैंड करता है सब उठ के खड़े हो जाते हैं और फिर लाइन में लग जाते हैं। तौबा। सो दिस इज़ इट, आई एम इन लाहौर और मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। जल्दी आना था लेकिन लेट, अभी तक पहुँचे नहीं है। आई एम सुपर टायर्ड। आई होप आपको अच्छी लगी होगी मेरी व्लॉगिंग। और या दैट्स इट, आई विल गो होम, I'll take a shower, I'll change. Nile से मिलूँगी एंड I'll sleep. तो इंशाल्लाह I'll see you again in my next vlog. Keep subscribing. Love you all.